मामला सुपौल जिला पिपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिवेणीगंज रोड मुख्य बाजार NH 327 का है, जहां बताया जा रहा है कि एक पैक्स का चावल लदा हुआ ट्रक पलटी कर गई, जिसमें सभी चावल लदी हुई बोरी रोड पर बिखर गई और जिसके कारण NH 327 पूरी तरह से ठप हो गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बीच रोड पे काफी गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसे ट्रक चालक को पता नहीं चला इतना गड्ढा होगा। जैसे ही ट्रक पार कराना चाहा, गड्ढा ज्यादा होने के कारण ट्रक पलट गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए अपने आप को बड़ी दुर्घटना होने से उसने बचा लिया। लेकिन इस रोड में इतनी हालत खराब है कि सभी गाड़ी चालक परेशान रहते हैं, आए दिन घटना होती रहती है, लेकिन आज तक इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी है। अब देखना ये लाजमी होगा कि ऐसे रोड पर कब सरकार नजर डालती है या फिर ऐसे ही गाड़ी चालक सड़क दुर्घटना का शिकार होता रहेगा। ऐसा ट्रक पलटी हुई है, मतलब गड्ढा के कारण से। कौन सा पता? यही गाड़ी के नीचे के गड्ढा है, जो बहुत मतलब बाहर कमर गड्ढा है। कहाँ जा रहे थे? मतलब श्यामनगर जा रहे हैं। क्या चीज़ है? चावल लोड है टैक्स का। कहाँ जा रही थी चावल कहाँ जा रही थी? जा रही थी त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज, क्या नाम है आपका? अरविंद साहब। कहाँ का गाड़ी है? मानपुर का है। मानपुर जहाँ से लोड रहा है। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट, सुपौल। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से हथियार के साथ पहुंचे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बाबत थाना अध्यक्ष रामेश्वरी साफी ने बताया कि बेरारी वार्ड नंबर 2 निवासी दिनेश सरदार के घर के आगे अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधी हवा में हथियार लहरा रहा था। उसका वो हल्ला करने पर जब ग्रामीण पहुंचे तो अपराधी भागा, जिसको देख ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और अपराधी को पकड़ लिया, जबकि अपाचे पर सवार अपराधी भागने में सफल रहा। पकड़े गए अपराधी कुमार खंड के विशनपुर वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मिसफायर गोली बरामद हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना ले आई है और पूछताछ जारी है। क्या मामला? मामला है बहरारी प्राथमिक विद्यालय के पास ये मोहम्मद बिको जो है एक आन अपराध कर्मी के साथ एक अपाची गाड़ी पर एक देसी कट्टा, 2 राउंड जिंदा गोली, 1 मिसफायर गोली के साथ क्राइम करने के लिए जो है आए हुए थे। R9 भारत के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, मधेपुरा सिंहेश्वर। मामला भागलपुर नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनखरा लतरा रोड का है, जहां अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ मौका पाते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 30 मई को नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली थी कि 26 मार्च को रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी चौक समीप NH 31 SBI बैंक कर्मी से लूट के मामले में फरार चल रहे रोहित उर्फ रंजन यादव चनखरा लतरा रोड स्थित छोटी पुलिया के पास किसी अपराध की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। तत्पश्चात SP ने नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। गठित टीम द्वारा छापेमारी के दौरान अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव उक्त योजना स्थल से पुलिस बल को देखते ही भागने लगा, जहां पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव को पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज है। वही छापेमारी टीम ने शामिल पुलिस कर्मियों को SP सुशांत कुमार सरोज द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। जिस जगह वो बैठा हुआ था, निश्चित रूप से किसी अपराध की योजना बना रहा था, अपने अन्य मित्रों का इंतजार कर रहा था, जिसका कि हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। ये होता है क्या, सब पुराने अपराधी होते हैं, उन्हें नए मेंबर्स को जोड़ता है और अपराध पारित करता है। ये सूचना मिलते ही SDPO नवछा अपनी टीम के साथ है त्वरित कार्रवाई किया, जिस चलते गिरफ्तारी भी हुई और कोई घटना संभावित घटना थी वो हम लोग टाल सके। कोई आपराधिक इतिहास है इनका? जी, इनका आपराधिक इतिहास है। अब तक हमें 3 केस मिला है, मर्डर केस भी है और लूटपाट केस का भी आविष्कार मिला है। जैसा आपको जानकारी होगा, 26/3/21 को मुरली मदरौनी के बीच में एक SBI स्टाफ का लैपटॉप और कुछ पैसा मोबाइल लूट लिया गया। उसी समय टीम का गठन किया गया था SDPO के नेतृत्व में, थाना प्रभारी रंगरा और इंस्पेक्टर नगोचिया सर्किल की टीम बनाई गई थी। उसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके निशानदेही पे एक रोहित रंजन उर्फ रोहित रंजन यादव घर से लैपटॉप भी मिला था, जो लूटी मोबाइल थी, जिनको घर से फरार पाया गया। कल ये सूचना मिली कि चनखरा लतरा रोड में वो पुलिया के पास बैठा हुआ है। तत्क्षण SDPO अपने टीम के साथ छापामारी किया और उसे गिरफ्तार किया गया।
सर्च के क्रम में उसके बॉडी से लोडेड कट्टा बरामद हुआ और चार अन्य जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ और उसने घटना में अपने पूछताछ क्रम में संलिप्तता भी स्वीकार की। इस तरह से हम लोग उस केस में तीन अपराधी को गिरफ्तार कर लिए हैं, लूटा हुआ लैपटॉप पर अन्य सामान बरामद कर लिए हैं और अपराधी हम बच गए हैं जिसकी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे। इस टीम में जो शामिल हमारे पुलिसकर्मी और फिर सबको रिवार्ड भी दिया है, हमने थाना प्रभारी को 500 रुपये से जो पुरस्कृत किया है और तो जो भी पुलिसकर्मी और चौकीदार है मैंने उन लोगों को भी प्रत्येक को 200 रुपये। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर।